ओके सो हाय गाइस, वस्सा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, काफ़ी टाइम से मेरे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोस नहीं आ रही थी, जिसके वजह से क्या इतना सोचता था कोई कंटेंट वगैरह। बट गाइस, मैंने अभी मतलब कि कुछ मतलब टाइम पहले मैंने एक टॉपिक सोचा कि आप लोगों को मैं कुछ बेस्ट वे बताता हूँ, जिससे कि गाइस आप लोग जो है फोटो को क्लिक कर पाओ, एंड जो मतलब कि किस टाइम में आपको फोटोज क्लिक करनी चाहिए, एंड गाइस किस मतलब क्या पोजीशन होनी चाहिए फोटोज़ की, एंड कैमरा सेटिंग्स वगैरह आपको मैं सब कुछ बताऊंगा वीडियोज़ में। तो आप लोग जो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड वीडियो कंप्लीट वॉच करना। बाकी गाइस, वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो बाकी गाइस वीडियो को कंप्लीट देखना। बाकी गाइस, जब तक आप म्यूज़िक को एंजॉय करो। ओके सो गाइस, अभी जो है लोकेशन ढूंढते मतलब कि 15-20 मिनट से हम कंटिन्यू चले रहे हैं, बट अभी कोई इतनी खास लोकेशन मिली नहीं है। एंड गाइस, और जो ये टाइम हो रहा है वो गाइस कुछ सनसेट का टाइम हो रहा है, एंड हम सोच रहे हैं कि गाइस क्यों ना हम यहीं पे फोटोज़ को क्लिक कर लेते हैं। एंड गाइस, सनसेट के टाइम में ये होता है कि मतलब कि फोटोज़ जो है काफ़ी मतलब कि खतरनाक फोटोज़ तो आती है, बट गाइस अगर उसका एडिटिंग का स्टेप अगर और बढ़ जाए तो और भी ज़्यादा फोटो अच्छी हो जाती है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा वीडियो में। बट गाइस, अभी क्या है कि हम इस साइड अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ 100-150 के आसपास फोटोज़ को क्लिक करेंगे, एंड उसमें से गाइस 2 या 3 फोटोज़ को सिलेक्ट करेंगे, एंड फिर हम उनको एडिट करेंगे, एंड उसके बाद गाइस मैं उसको इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करूंगा। तो गाइस, अगर आप लोग चाहो तो इंस्टाग्राम पे आके भी उन फोटोज़ को देख सकते हो, इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बाकी गाइस, अभी हम फोटोज़ को क्लिक करते हैं, एंड मैं आपको बिहाइंड द सीन्स भी दिखाऊंगा। तो गाइस, आप लोग जो है मतलब वीडियोज़ को एंजॉय करो, एंड बाकी जो भी फोटोज़ क्लिक होंगे वो मैं आपको साथ के साथ दिखाता रहूँगा। तो बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। बस अभी जो ये हमने फोटोज़ जो क्लिक करी है गाइस, इनका जो एडिटिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा चलेगा, मतलब लंबा इतना चलेगा कि मतलब कि अभी मैं जो एडिट करने बैठूंगा इसको, मतलब अभी हमारा शूट जो कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मैं अभी जब इसको एडिट करने बैठूंगा तो उसमें कम से कम मेरे 3 से 4 घंटे जाएंगे, क्योंकि यार फोटो भी एडिट करनी है, वीडियो भी एडिट करनी है, अपलोड भी करना है, तो यार मतलब सब कुछ करना है, तो यार थोड़ा टाइम जाएगा। बट गाइस, आप लोगों को जो फोटोज़ हैं वो तो दिख गई होंगी वीडियो में, क्योंकि यार मैं जब वीडियो को एडिट करूँगा तो फोटोज़ तो दिखानी होगी ना आपको, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। बट गाइस, अभी जो एडिटिंग का प्रोसेस है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को जो है ध्यान से देखना एंड पूरा देखना, ताकि आपको जो एडिटिंग का प्रोसेस भी समझ आए अच्छे से, ठीक है? तो अभी इतना करते हैं हम, एंड बाकी जो और भी फोटोज़ क्लिक करनी है वो दिखाता हूँ गाइस आपको। बाकी जब तक आप गए कुछ सिनेमेटिक शॉट देखो, एंड बाकी वीडियो को एंजॉय करो। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं गाइस कि फ़ोन से हमें फोटोज़ को कैसे क्लिक करना है। तो गाइस, सबसे पहले जो है गाइस, आप लोगों को जो अपने फ़ोन का जो है ग्रेड ऑप्शन को ऑन कर रखना है, ठीक है? मतलब कि गाइस, आप सेटिंग में जाओगे तो आपको ग्रेड ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली उसको ऑन कर देना है। एंड जो गाइस ग्रेड ऑप्शन जो है गाइस, जो आपको सामने जो स्क्रीन पर लाइंस वगैरह दिख रही हैं, आपको सिंपली इसको ऑन कर लेना है। एंड गाइस, जो इसके हिसाब से आपको जो है आपका जो सब्जेक्ट होगा आपको इसके लाइन के अकॉर्डिंग रखना है, एंड आपको देन आपको अपनी फोटोज़ को जो है क्लिक करना है। इससे जो है गाइस फोटोज़ जो है एकदम अमेजिंग आएगी। तो गाइस, मैं आपको कुछ फोटोज़ दिखा देता हूँ। तो गाइस, आप लोग भी जो है इस ऑप्शन को जरूर ट्राई करना, एंड बाकी चलिए बढ़ते हैं अपने एडिटिंग के प्रोसेस। ओके सो गाइस, अभी जो है आपने हमारा मतलब कि जो भी शूट वगैरह था वो सब तो देख लिया होगा, बट गाइस अब जो आता है हमारा मेन चीज जो कि मतलब आता है गाइस की फोटो रिटच के ऊपर, ठीक है? तो अभी जो है मतलब इसमें रिटच करके जो हमें फोटो में एकदम मतलब कि एकदम गजब की फोटोज बनानी है, तो उसके लिए अभी रिटच करना बहुत जरूरी है। तो गाइस, अब जो प्रोसेस है हमारा अभी स्टार्ट होगा,
तो गाइस अभी जो है मैंने वहाँ पे जितनी फोटोज हमने क्लिक की थी, मैंने आपको जैसे कि बताया था हम जितनी फोटोज क्लिक करेंगे उसमें से दो या तीन फोटोज को सिलेक्ट करेंगे। तो गाइस अभी जो है मैंने उनमें से दो फोटोज को सिलेक्ट किया है, जो ये दो फोटोज, ठीक है। तो इन दोनों का एडिटिंग अभी जो हम इन दोनों को रिटच करेंगे। एंड आपने इन दोनों में से किसी एक फोटो को थंबनेल पे भी देखा होगा, तो गाइस आपने देखा होगा मतलब कि अब सेम वैसे हम इसको रिटच करेंगे अभी। एंड आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे रिटच करना है, एंड आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना है। एंड गाइस आप लोग एक चीज बताओ कि गाइस अभी जो मैंने अपने साइड में जो फ्रेम लगाया है ये आपको कैसा लग रहा है। एंड इसी तरीके की कुछ फ्रेम्स और मैं एडिट करना चाहता हूँ गाइस, आप मेरे को थोड़ा सजेस्ट करो नीचे कमेंट बॉक्स में कि मेरे को किस टाइप के जो है बोर्ड्स मेरे को लगाने चाहिए, और तो आप जो बोलोगे मैं गाइस उसके लिए ट्राई करूंगा कि वो बोर्ड्स लगाऊं। एंड धीरे धीरे मैं और भी चीजें इसमें ऐड करता रहूंगा। एंड जो सेटअप है हमारा एक दिन मैं काफी अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा, एंड आप मतलब की नई नई चीजें ऐड करूंगा। तो आप लोग भी सजेस्ट करते रहना कि मेरे को किस टाइप का सेटअप बनाना चाहिए, ठीक है। तो बाकी चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज किस नए वीडियो को। ओके गाइस, तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो आपका लाइट रूम ऐप को जो है ओपन कर लेना है, एंड उसमें जो है गाइस फोटो को भी ऐड कर लेना है क्योंकि हमने तो यहाँ पे पहले से ऐड कर रखा है। तो अब क्या गाइस, पहले तो हम इसको क्रॉप करेंगे, एंड यहाँ पे जो हम इसको पहले फ्री कर देते हैं। एंड यहाँ से जो है हम इसको मतलब कि यहाँ से पहले थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं फोटो को। एंड यहाँ से गाइस जितना करने के बाद आपको सिंपली डन कर लेना है। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है स्लाइड वाले ऑप्शन में। एंड गाइस देखिए, पहले जो आपको अपनी फोटो में जो कॉन्ट्रास्ट चेक करना है गाइस, ठीक है। तो जैसे गाइस इसमें जो है कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा माइनस करता हूँ पहले। एंड जो गाइस हाईलाइट है इसको जो यहाँ पे आप हम कम रखेंगे, ठीक है, हाईलाइट को कम रखेंगे। एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, जो फोटो में डिटेल है हमें वापस चाहिए तो हम शेडो को इंक्रीज करेंगे। एंड जो व्हाइट है इसको कम करेंगे, एंड ब्लैक है जो उसको भी कम करेंगे। फिर उसके बाद गाइस हम यहाँ से जाएंगे कलर्स में, एंड ऐसे गाइस जो वाइब्रेशन है हम इसको यहाँ पे बढ़ा देंगे ताकि जो हमारे कलर्स है सारे वापस आ जाए। फिर उसके बाद जाएंगे कलर मिक्स में, एंड यहाँ पे ऑरेंज कलर को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे गाइस थोड़ा सैचुरेशन माइनस करेंगे, ल्यूमिनस यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो है गाइस येलो कलर, ठीक है, सबसे पहला कलर हमारा येलो, तो अब इसको हम यहाँ पे ले कर लेंगे प्लस, ठीक है, इसको प्लस कर लेंगे। एंड जो इसका सैचुरेशन है हम इसको भी यहाँ पे प्लस करेंगे। अब गाइस देखिए ग्रीन कलर है जो, अब इसका जो ह्यू है हम इसको माइनस करेंगे, एंड जो सैचुरेशन है इसको हम यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे मिलेगा एक डार्क ब्लू का ऑप्शन, ठीक है, ये वाला। अब आपको यहाँ पे जो इसका मेरे को मतलब ब्लू कलर नहीं चाहिए अपनी फोटो में, तो मैं इसको एकदम माइनस कर दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो प्लस कर लेना या जो भी आप एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। फिर आपको जो गाइस ये कलर्स के बगल में जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है गाइस, ये वाला आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको जो शेडो है इसके सामने एक ऐसा ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड जो गाइस इसका पहले तो सैचुरेशन बढ़ाना है, एंड जो ह्यू है इसको जो टोन है आपको गाइस यहाँ पे ले जाना है इसको यहाँ पे ब्लू टोन में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे गाइस जाना है यहाँ से मिड टोन में। अब गाइस इसका भी सैचुरेशन आपको यहाँ पे प्लस करना है। एंड जो गाइस इसका ह्यू है आपको इसको लेके जाना है यहाँ से येलो टोन में, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद जो गाइस आपको जाना है हाईलाइट में, आपको गाइस इसका सैचुरेशन प्लस करना है, एंड जो इसका जो ह्यू है अब आपको उसको ले जाना है ग्रीन कलर में, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपको हमें सिंपली डन करना है। अब गाइस जितना हो जाने के बाद जो है आपको यहाँ से जाना सिंपली नीचे वाले टूल में, आपको गाइस यहाँ पे जो है फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है, ये वाले। एंड उसके बाद आपको फोटो में डालना है विग्नेट, ठीक है, विग्नेट डालना है फोटो में, मतलब जितना चाहो उतना डाल लेना, मतलब ज़्यादा भी मत डालना कि फेक लगे फोटो। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है मिड टोन यहाँ पे जो है आपको इसको यहाँ पे दिख लिया, अब जो मिड टोन यहाँ पे आपको इसको करना है प्लस। फिर जो है गाइस यहाँ पे आपको मिलता है फेदर का ऑप्शन, ठीक है, आपको सिंपली इसको भी बढ़ाना है। एंड उसके बाद आपको मिलेगा ग्रीन अमाउंट, आपको उसको भी बढ़ाना है। एंड उसके बाद जाना आपको फिर नीचे वाले टूल में। अब गाइस इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे गाइस फोटो की शार्पनेस है इसको इंक्रीज करना है। एंड जो गाइस नोट डिटेक्शन आपको उसको बढ़ाना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर डिटेक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। ओके सो गाइस यहीं देखते हैं हमारी वीडियो। तो गाइस आई होप कि यार आप सभी को वीडियो जो है पसंद आई होगी। एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पे नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस आज जो है ना यार इस वीडियो में मेरे को यार मतलब कि सीरियसली बताऊं तो यार मैंने आज जो है इस वीडियो को बनाने में बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत लगी। एंड मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा था इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए। एंड मैं सोच रहा था कि यार मतलब आप लोगों को जो ना कुछ मतलब कि नया करके मतलब आपको कुछ नया करके दूं, एंड आपको जो मतलब कुछ सिखा सकूं। तो गाइस मतलब मैं आप लोगों के लिए ना कुछ इसी टाइप सबसे मेहनत करे करूंगा, एंड जो आप लोगों को जो मैं कुछ नई नई चीजें सिखाया करूंगा। तो बस आप लोगों ने बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाना है, एंड गाइस मतलब कि एक ना शेयर मत कर देना आप लोग मेरे लिए, कि मतलब आप एक शेयर कर दोगे तो यार मतलब कि एक नया मेंबर जो है हमारे चैनल पर जुड़ जाएगा, जिससे गाइस हमारी फैमिली भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो बस मतलब यार आप लोग एक शेयर करना, बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो गाइस मैं आप लोगों को एकदम नई से नई एंड अलग अलग क्रिएटिव चीजें सिखाऊंगा। तो बस आप लोग अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। भाई गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, एंड गाइस एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं मतलब यार आपके जो मतलब कि वीडियोस के बाद अपलोड होने के बाद मैं बस एक ही चीज़ का वेट करता हूँ कि यार बस आप लोग के कमेंट्स आए एंड मैं उनको पढूं, एंड उसको मतलब उसको पढ़ने के बाद मोटिवेट हूं, एंड मैं फिर जाऊं दोबारा कोई नई वीडियो बनाने के लिए। तो यार एक कमेंट जरूर करना। बाकी चले गए, मिलता हूं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।